हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आईटीआई जो ट्रेड थ्योरी वाइज बुक्स वगैरह आप लोग पूछ रहे थे, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जो आईटीआई की वैकेंसी है, जो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 17 से 20 अक्टूबर 2020 है। तो इसके लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अलग अलग ट्रेड्स के हैं, तो उनके लिए मैं ट्रेड थ्योरी वाइज आपको ये बुक्स बता रही हूँ। सब लोग पूछ रहे थे कि ये बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी बुक से पढ़े, बेस्ट बुक बताइए। तो बेस्ट बुक आप लोगों के लिए जो है वो है रुक्मणी पब्लिकेशन की, और ये बेस्ट बुक है आपकी आईटीआई ट्रेड्स थ्योरी की, जिसमें आपको ट्रेड वाइज बुक्स मिल जाएगी, और इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वगैरह भी हैं। ये आप लोग जैसे सोच रहे हैं अभी लॉकडाउन है तो कहाँ से परचेज़ करें, मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है ये वो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वगैरह से परचेज़ कर सकते हैं, और मार्केट में भी अवेलेबल है, और अभी भी मार्केट्स में बुक्स वगैरह की जो शॉप्स हैं वो मतलब खुलने लगी हैं अब काफ़ी जगह पर, तो आप लोग वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं अगर मिल जाए, अदरवाइज़ आप लोग ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो बुक्स हैं ये बहुत चीप रेट है, मतलब कॉस्टली नहीं है। आप बुक्स में देखें तो ये एमआरपी यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ देखें तो ये देखिए आपको यहाँ पे एमआरपी मिल जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड, ये देखिए आप यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है, आप जैसे एमआरपी देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको यहाँ पे एमआरपी आप देख सकते हैं कि ये 98 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो आप बुक्स देखें यहाँ पे तो आप यहाँ देखें ये जो 90 रुपीज़ यहाँ पे बुक्स का प्राइस पड़ा हुआ है ना, तो ये अभी इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ये 90 रुपीज़ की बुक है, और ये अगर आप ट्रेड थ्योरी ऑटोमोबाइल एंड डीजल मैकेनिक की देखें तो ये 98 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये के अंदर आपको ये बुक्स मिल जाएगी। ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको डिलीवरी चार्ज वगैरह लग जाए तो थोड़ा कॉस्ट 30-40 रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आपको सही मिल जाएंगे। देखिए ये देखिए आप फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है, अभी आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रेड वाइज मैं सारी ट्रेड्स की बता रही हूँ, तो आप लोग जिस ट्रेड से हों तो वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन की, ये देखिए ये आईटीआई ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो वैकेंसी निकलेगी या अभी जो 2016 में निकली हुई थी, तो उसके हिसाब से जो डबल ई ब्रांच वाले हैं या जिसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इलेक्ट्रिकल वगैरह से भी या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वो भी इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है, ये सारी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी है, जैसे आप यहाँ पे देखिए आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह के लिए, आरआरबी जेई एसएससी वगैरह के लिए है ना, जो टेक्निकल फील्ड में हैं, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांच से जिन्होंने भी बीटेक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर आईटीआई वगैरह की है, एनसीबीटी या एससीबीटी वगैरह के जो डिप्लोमा हैं तो वो किए हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट बुक है आईटीआई के आपके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये थी, अब ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए है, तो जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के स्टूडेंट हैं जिनका इलेक्ट्रिकल है, ये देखिए ये वॉल्यूम 2 है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वॉल्यूम 2 है, तो अपने अपने ब्रांच वाइज के हिसाब से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं और मार्केट से भी मिल सकते हैं आपको। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप की है, इसका ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 भी इसका होगा, तो आप लोग दोनों ही परचेज़ कर लें, है ना। ये जो ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए है, फॉर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एवं टीवी, इन सब के लिए इसका जो एमआरपी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एमआरपी 80 रुपीज़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगी। ठीक, तो इसी टाइप से आप और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो आईटीआई ट्रेड थ्योरी है, अब ये मैकेनिकल ग्रुप के लिए है, तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल से बीटेक किया है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, या फिर आपने एनसीबीटी या एससीबीटी डिप्लोमा वगैरह भी किए हैं यहाँ पे, तो ये आपके लिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी डिनोट किया हुआ है इन्होंने, ये देखिए हाँ, जैसे फिटर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, अगर आप लोग को इनमें से किसी भी एक ट्रेड से एग्ज़ाम देना है या सारे ट्रेड्स में से देना है तो आप ये बुक आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो सिलेबस रहता है ना, जो ऑटोमोबाइल फिटर डीजल मैकेनिक, वो मतलब कि जो आईटीआई वगैरह के कोर्सेज होते हैं उन्हीं के हिसाब से आता है, तो इनमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो इस टाइप से आप देखेंगे, अभी मैं आपको पूरा बताऊँगी। तो ये जो है ये मैकेनिकल ग्रुप के लिए बेस्ट बुक है, ये वॉल्यूम 1 है, रुक्मणी पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे ये आईटीआई ट्रेड थ्योरी अभी मैंने बताया था वो आपका जो ये था ये वॉल्यूम 1, ये बहुत सारे मतलब कि अलग अलग ट्रेड्स के लिए, सारी ट्रेड्स के लिए था, तो ये वाली जो है ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना, मैकेनिकल ग्रुप के लिए। और अगर आप सिर्फ फिटर डीजल मैकेनिक या ऑटोमोबाइल वगैरह से बस आपको मतलब एग्ज़ाम देना है तो आप ये वाली भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फिटर ऑटोमोबाइल एवं डीजल मैकेनिक के लिए कम्बाइंड है। अगर आपको ने फिटर से मतलब कि NCVT या SCVT ITI का कोई डिप्लोमा किया है तो आप लोग फिटर के लिए ऑटोमोबाइल डीजल मैकेनिक के इनमें से तीनों में से जिसने किया है तो आपको अगर टेस्ट देना है तो आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। ओके, अब आप इसमें यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली भी आप लोग कर सकते हैं, तो जिनका इनमें से दोनों हैं तो वो लोग ये दोनों ही परचेज़ कर लेना, ये दोनों वॉल्यूम वन हैं तो आप लोग देख लें अगर सब्जेक्ट वगैरह और क्या है आपका। अब मैं दिखाती हूँ कि ये जो बुक्स वगैरह हैं ये किस टाइप से रहेंगी, तो ये बेस्ट बुक क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो अंदर का बुक्स का मैटर रहेगा वो ऐसा रहेगा। यहाँ पे देखिए कंटेंट्स, जैसे यहाँ पे फिटर डीजल टर्नर और बेल्डर मैकेनिस्ट, ठीक है, मशीनिस्ट, ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखिए आप इस टाइप से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ट्रेड इंट्रोडक्शन दिया है, सबसे पहले फिटर का दिया है यहाँ पे, तो ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है परिचय इंट्रोडक्शन। ये हिंदी में ही अवेलेबल है ये बुक्स, और इंग्लिश में अवेलेबल नहीं रहेंगी तो आपको हिंदी में ये इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये रहेगा ट्रेड इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे रहेगा ये परिचय इंट्रोडक्शन, फिर वेबसाइट छः टेक्निकल फील्ड इसमें, फिर ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर वगैरह भी यहाँ पे डले हुए हैं, मशीन से सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक पावर से सुरक्षा, मतलब पूरा बेस से दिया, आपके पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे फिर ये जो सेकंड है इसमें चैप्टर वो हैंड टूल से है, एक सेकंड, ये हैंड टूल से इस टाइप से आपके ये टॉपिक्स वगैरह दिए रहेंगे। इसमें एक और मतलब खास बात ये इस बुक की कि इसमें आपको थ्योरी प्लस MCQ दिए हैं, मतलब कि आप पहले इसमें थ्योरी थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं डाउट हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये जो अब जैसे डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक्स और मशीन मोटर व्हीकल, इन सब का आप जो आप देखेंगे तो इसके लिए भी मतलब कि सेपरेट है इस टाइप से, तो ये कंटेंट पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आप ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले जैसे ये देखिए आप बुक्स कैसे इस टाइप की रहेगी, सबसे पहले फिटर दिया हुआ है तो इसमें आपका है जैसे ट्रेड इंट्रोडक्शन, तो ट्रेड इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे परिचय में किस टाइप से यहाँ लिखा हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फिटर एवं कौशल कारीगर होता है, इस टाइप से आपका दिया हुआ है, देखिए। और इन्होंने ये टूल्स वगैरह भी लिखे हैं कि टेक्निकल फील्ड में जो टूल्स वगैरह हैं, ये देखिए मार्किंग, रीमिंग, ब्रेजिंग, इस टाइप से ये पूरा यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये बेस्ट बुक क्यों है, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने बताया हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बेटर है ही, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बाकी इसे समझते जाएँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये सेकंड चैप्टर है तो हैंड टूल से रिलेटेड है, तो हैमर, ये देखिए पूरे मतलब कि डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, चित्र वगैरह भी आपको सब दिखाए हुए हैं कि किस टाइप से है और कितने किस टाइप से ये रहेगा। आप देखिए अब यहाँ पे ये देखिए ये है जैसे फिटर चैप्टर सेकंड हैंड टूल, अब ये ऑब्जेक्टिव आ गए, तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, चार ऑप्शन भी इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो मतलब कि एग्ज़ाम पेपर आते हैं उसमें भी हैं, मैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर वगैरह की भी वीडियो डाल दूँगी, है ना, तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर हैं ट्रेड वाइज उनकी वीडियो डालूँगी और PDF वगैरह भी अवेलेबल रहेगी, तो आप लोग देख लेना उसमें से कि वो पेपर कैसा है और इनसे भी आप मैच करना कि इन्हीं से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आंसर शीट वगैरह अगर आप चाहें तो देखिए ये आंसर शीट भी यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन के बाद में, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पे ये आंसर शीट अवेलेबल है, तो इस टाइप से ये आंसर की रहेगी इसमें, तो सारे के यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप लोग अपने पहले पूरे ऑब्जेक्टिव से टिक लगा लें, फिर उसके बाद आंसर चेक करें कि आपके कौन से सही हैं गलत हैं, तो इस टाइप से आपको ये आंसर की भी मिल जाएगी, तो इस टाइप से ये पूरा आपका इसमें रहेगा, है ना। तो इसमें आपको ना कोई डाउट है ना कुछ, ये बेस्ट बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन की, इससे अच्छी बुक आपको कोई भी नहीं मिल सकती है, और ये सारे ट्रेड्स के लिए अवेलेबल है, बस अभी कोपा के लिए नहीं है ये, तो जो कंप्यूटर CSIT वाले ब्रांच के लिए उसके लिए मैं बता दूंगी, तो आप लोग ये बुक्स वगैरह यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें सारे लोग, और जितनी भी वीडियो हैं आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2020 रिक्रूटमेंट ऐसे ये मिल जाएगी, उसमें आपको जो मतलब कि सारा कुछ सिलेबस और भी जो इतनी डिटेल है एग्ज़ाम से रिलेटेड 2020 के इस ITI एग्ज़ाम से, तो सारी वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।